भाई देख सकते हो एक किसान भाई का लाइट आ गया मोटर का। सो रिपोर्टिंग जारी रखते हैं हम। मैं चाहूँगा कि इस गांव देहात एरिया का किसान पे ही सरकार को थोड़ा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गांव अगर फसल नहीं उपज जाएगा तो शहर तक कैसे जाएगा फसल। सो गाइस, कैसे आप सब, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो देख सकते हो कि ये पानी का तंगी होने के कारण इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। और ना ही बांध का पानी आता है, ना ही नेपाल पानी छोड़ता है जो हम लोग का इंडिया में होता पानी आएगा। तो इसलिए मोटर वगैरह मशीन वगैरह से हम लोग को पानी पहटाना पड़ता है। किसान को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अभी जो है सब हर जगह जगह पर मोटर और होंडा मशीन का सुविधाएँ लगा हुआ है। सो किसान को इससे सुविधा होती है, बट बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो पानी लगाना पड़ता है, उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह बहुत चीज़ का कठिनाई करना पड़ता है। तो अभी मैं अपना खेत में मोटर लगा दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मोटर लगाया हुआ है। और बहुत ही मोटर जो लगाया हूँ गाइस, तो तार जो लाया हूँ तो बहुत दूर से लाना पड़ता है, इसीलिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसमें तो कम है बट होंडा लगाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से मोटर लगाया, घर से तार लाया, उसके बाद इधर पाइप लगा दिया, बहुत दूर है। गाइस यहाँ पे तार देख सकते हो और घर वहाँ है, समझ सकते हो कितना, लगभग 4 बंडल तार यूज किया है। घर कहाँ है? घर वहाँ है, देख सकते हो लगभग 4 बंडल तार का यूज करके यहाँ तक लाया है। तो समझ सकते हो कितना, लगभग 1700-1800 बंडल आता है। देख सकते हो जोताई किया हुआ और सूखा जमीन पड़ा हुआ है इधर, मतलब कुछ दिन पहले पानी देके लगाया गया इसको। आप वीडियो पे बने रहिए कंटिन्यू, मैं दिखाता हूँ कि कैसे खेती किया जाता है गांव एरिया में। आइए इधर, तो पाइप को देख सकते हो आप किस टाइप से इधर ले जाया जाता है। और पता नहीं भगवान को क्या हुआ है, पानी नहीं बरसता है। मौसम को देखते हुए कि बारिश आने का संभावना लगता है, बट बारिश ही नहीं होता है। मगर देखते हैं आज बारिश होता है या नहीं, मौसम को देख के बोल सकते हैं कि बारिश हो सकता है। बट ऐसा 3-4 दिन से होता है लेकिन बारिश होता नहीं है, इसलिए किसान जो है बहुत परेशान होकर लास्ट में पानी लगाने के लिए मोटर या होंडा का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि किसान को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देख सकते हो कि यहाँ पर जो पानी, मतलब इसका हम लोग का यहाँ पे 2 बीघा ज़मीन है, लगभग 2 से ज़्यादा है, ठीक है। मगर सुबह से पानी लगा, पानी जो चलाया था तो लगभग 1 बीघा ही हुआ है सुबह से, अभी लगभग 12-1 बजने जा रहा है। सो बिहार सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि हम लोग का एरिया में, गांव देहात एरिया में, मैं गाइस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा गाँव है मंगूरा। मेरा जस्ट बगल वाला गाँव में जो कि करेलावाड़ी नाम से फेमस है, वहाँ पर पावर हाउस है जो कि वहाँ पे लाइन का कनेक्शन दिया जाता है। सो वहाँ का जो स्टाफ या कोई भी मैनेजर या कोई भी है, लाइन को बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रखता है और लाइन को बार बार काटा जाता है हम लोग का बिहार में। सो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अभी जो खेती का समय है, एक तो बारिश नहीं होता है, ऊपर से अगर मोटर लगाया जाता है तो कंटिन्यू अगर लाइट नहीं दिया जाएगा तो किसान क्या करेगा, किसान कैसे जिएगा अगर कंटिन्यू लाइट नहीं दीजिएगा। देख सकते हो अभी मेरा 2 बीघा खेत में से अभी 4-5 घंटा होने जा रहा है लगाने का, अभी 1 ही बीघा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर 2-3 बीघा खेत अगर हम कीचड़ करेंगे, कादा करेंगे तो 1 ही दिन में हो जाएगा, बट पानी होना चाहिए ना कादा के लिए। तो यहाँ पे लाइट अगर काट के रखेगा ये लोग तो कैसे होगा, किसान तो परेशान होगा ही। एक तो वो प्रॉब्लम, ऊपर से बारिश नहीं होता है, और भी अगर किसान अगर फसल को अपना बेचने जाता है उस टाइम भी बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सो गाइस बहुत सारा प्रॉब्लम है, हर चीज़ को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो किसान को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो गाइज हमारे साथ एक किसान भाई खड़ा है, उससे हम पूछते हैं कि स्थिति कैसा है और लाइट को जो काटा जाता है क्यों काटा जाता है, और आज जो लाइट काटा गया तो कितना बजे काटा गया था। तो अभी इससे पूछताछ करते हैं कि लाइट जो है कितना बजे काटा गया था। हाँ सर, कैसे आप? भैया तो खेती बाड़ी लगा दी आप? नहीं, खेती बाड़ी तो नहीं हुआ है अभी। जो मोटर लगाए हैं आप, तो लाइट कितना बजे गया था? नहीं, लाइट का तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ना। सो गाइस देख सकते हो ये भी बोल रहा है कि लाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे किसान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अभी लगभग कितना घंटा हो गया लाइट कटने का? करीब 1.5-2 घंटा, 1.5-2 घंटा से बैठे। चाचा, चाचा से पूछ लो क्या प्रॉब्लम है। पैसा, मतलब बारिश नहीं होता ना चाचा?
बहुत दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है। मोटर भी लगा दीजिए, लाइट रो नहीं की को आप बता अत दिक्कत हो किसान ला करें जिंदा रहो सो जा। आइए इधर हम और भी आदमी से आज इधर का ही हम ब्लॉगिंग करेंगे और जितना भी आदमी मिलेगा सबसे पूछताछ किया जाएगा कि कैसा है किसान इधर का गांव, गांव में किस टाइप से खेती किया जाता है, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो पे कंटिन्यू। भाई देख सकते हो एक किसान भाई का लाइट आ गया मोटर का, सो रिपोर्टिंग जारी रखते हैं हम। देख सकते हो गाइस इस मोटर में चेक बॉल नहीं लगाया गया है, अभी लाइट आने के कारण यहाँ पे ट्यूबवेल को चलाया जाएगा तब ये पानी देगा तब स्टार्ट होगा। समझ सकते हो अभी लाइट आ चुका है मगर किसान को फिर भी लाइट आने के बावजूद भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हो ऊपर से इतना लाइट अगर प्रॉब्लम, जितना बार गाइस लाइट कटिंग होगा उतना बार किसान को प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह चलाना पड़ता है तब मोटर में पानी जाएगा। अगर गाइस बिहार सरकार कंटिन्यू अगर हमारे गांव एरिया में अगर लाइट का सुविधा दे दिया जाए तो इतना कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा किसान भाई को। देख सकते हो अभी पानी आ चुका है यहाँ पे ग्राउंड लेवल तक, आपको हम वीडियो दिखाने का कोशिश करेंगे। क्या है देख सकते हो खेत में पानी गया अभी लगभग 2-3 घंटा के बाद, उसके बाद लाइट आया उसके बाद पानी आया। देख सकते हो परेशान है सुबह से परेशान जी। अच्छा अपने बाप दिमाग खराब है कि पांव हाथ दर्द है ना। देख सकते हो अभी इन्होंने ट्यूबवेल चला के जाके वहाँ पे थक के बैठा हुआ है, उससे हम पूछताछ करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे मोटर वगैरह से पानी देने का खेत में। तो अभी पूछते हैं इस किसान भाई से कैसा रहा आपका मतलब खेती बाड़ी कैसा रहा भैया? आपको क्या बताएं, 15 दिन पहले बारिश हुआ, ऐसा मौसम खराब हो गया है कि बारिश चल गया है, कभी बादल छाता है तो कभी नहीं छाता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी पड़ा। आदमी सोचा कि बारिश होगा मगर नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन इसी अभी जो आप मोटर लगाए हैं यहाँ पर भैया, अभी जो आप मोटर लगाए हैं, हम आपसे हम सवाल करते हैं, अभी जो मोटर लगाए हैं यहाँ पे खेत में सुबह से आज लगभग 5-6 घंटा जरूर हो गया होगा। मोटर वाला पे घर गए 4 बजे भोरे गए, गए मोटर लाने, लगाए, एक घंटा तो चला, उसके बाद लाइट चले गया, लाइट चला गया, घर का पास में पावर हाउस है लेकिन लाइट नहीं छोड़ता है, ढंग से नहीं मिलता है। तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो मैं बिहार सरकार से बोलना चाहूंगा कि लाइट नहीं रहने के वजह से शहरी इलाका में लाइट ठीक से दिया जाता है और गांव एरिया में लाइट नहीं रहने के वजह से किसानों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि गांव एरिया में जो है लाइट का सुविधा अभी दिया जाए, क्योंकि किसान का बहुत ही हालत खराब है और बहुत ही दुखद खबर है किसान सबका। तो अभी मैं आपसे और सवाल करूंगा कि अभी जो मोटर का लाइट चले गया था फिर दोबारा लाइट आता है, दिन भर में ऐसा कितना बार होता है? कम से कम 40+ ही होगा। 40+ हाँ। सो बहुत ही कठिनाई का 40+ है। सो गाइज अभी मैं बता देना चाहूंगा कि 40 बार मान लीजिए 20 बार अगर लाइट भागता है तो 20 बार आके यहाँ पे कंटिन्यू इसको ट्यूबवेल का चलाना होगा, इस टाइप का सुविधा है। अभी तो दिक्कत होता ही है, रात को इतना दिक्कत होता है सोने का टाइम में, पंखा नहीं चलता है, लाइट काट देता है, बहुत दिक्कत है। फिर बिजली बिल समय पे आप देते हैं? हाँ समय पे, महीने पे आता है, जितना इन होता है इन टोटल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज मैं बिहार सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि लाइट को नहीं काटिए, गांव एरिया में लाइट रखिए, क्योंकि किसान अगर फसल नहीं उपजाएगा तो बेचेगा कैसे, आगे तक कैसे बढ़ेगा, यही मैं गुजारिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और भी इस बार पानी की बारिश के कारण बहुत मक्का भी नहीं हुआ, अगला बार हुआ था 6 बीघा में कम से कम 7 क्विंटल हुआ था, इस बार तो लग रहा है आधा हुआ, इस बार 7 क्विंटल से। सो ये सब जो होता है किसका किसके वजह से? बारिश के ही वजह से होता है और किसान को अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलता है यहाँ पे थोड़ा भी गांव एरिया में। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इस गांव देहात एरिया का किसान पे ही सरकार को थोड़ा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गांव अगर फसल नहीं उपज जाएगा तो शहर तक कैसे जाएगा फसल। सो गाइस इस वीडियो का माध्यम ये था, और भी हम कोई मिलेगा तो पूछताछ कर लेंगे। वीडियो पे बने रहिए अभी भी, तो कंटिन्यू यूट्यूब वाले हैं।